डर रहा था कि कोई बच्चे नीचे ना गिर जाए, डर रहा था कि कोई बच्चे नीचे ना गिर जाए, डर रहा था कि कोई बच्चे नीचे ना गिर जाए, बच्चे नीचे ना गिर जाए, डर रहा था कि कोई बच्चे नीचे ना गिर जाए, डर रहा था कि कोई बच्चे नीचे ना गिर जाए। एक ही वीडियो बार बार क्यों दिखा रहे हो भाई? जी हाँ, कुछ ऐसा ही सवाल आपके मन में आ रहा होगा। दरअसल कोरबा शहर की मुख्य मार्ग पर जर्जर हो चुके सड़क की खबर बनाने हमारे INN24 न्यूज़ के कोरबा प्रतिनिधि सतपाल सिंह पहुंचे हुए थे। समय लगभग दिन के 11 बज रहे थे। कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर चौक और CSB चौक के ठीक बीच मुख्य सड़क की बदहाली के विषय में एक ऑटो चालक से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान ऑटो के बगल से एक काले रंग की SUV कार बेहद तेज रफ्तार से गुजरती है। यह कार CSB चौक की ओर से ट्रांसपोर्ट नगर चौक की ओर जा रही होती है, जो न्यूज के लिए वीडियो एडिटिंग के समय हमारा ध्यान सड़क की बदहाली को छोड़ रफ्तार में टिका देती है। बंदूक की गोली सी तेज रफ्तार कार कोरबा के मध्य भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐसे दौड़ रही है मानो कोई रेस हो रही हो। कार के पार होते ही धूल का गुब्बार साफ देखा जा सकता है। क्या शहर के बीच में ऐसी रफ्तार गलत नहीं? पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं? शहर के भीड़भाड़ वाले निहारका और कोसाबाड़ी मार्ग पर हादसे के बाद भी ऐसी रफ्तार आज देखने को मिल रही, क्या गलत नहीं? आखिर कैसे ऐसे बीच शहर में रफ्तार पर लगाम लगेगी? ऐसे कैसे सड़क पर चल रहे लोग सुरक्षित होंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इन लापरवाह वाहन चालकों की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं। आपको बता दें, CSB चौक और ट्रांसपोर्ट नगर चौक के ठीक मध्य निगम द्वारा बनाई गई सड़क बेहद जर्जर हो चुकी है। निगम के अधिकारी बारिश की वजह से मरम्मत नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाली कोरबा शहर की मुख्य सड़क की ऐसी जर्जरता निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली है। सड़क की दुर्दशा से आवाजाही कर रहे लोग परेशान तो हैं ही, सवाल भी कर रहे हैं कि कोरबा शहर का यह हाल है तो बाकी जगहों का क्या होगा। वहीं खस्ता हाल सड़कों पर बड़े टायर वाले XUV वाहन ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा, हम तो ऐसे ही चलेंगे, रेस लगाएंगे। कोरबा से सतपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रणाम जी। दिनेश मानिकपुरी। दिनेश मानिकपुरी जी, बताएंगे ये ट्रांसपोर्ट नगर रोड में आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, किस चीज़ के लिए? दिक्कत तो हो रही है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और खासकर ऑटो वाले लोग को, हम लोग को और छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं स्कूल में, तो डर हमेशा लगा रहता है कि कोई बच्चे नीचे ना गिर जाए, और हमेशा मुसीबत का तो सामना करना पड़ रहा है। ये रोड कितने दिन से ऐसा खराब है? ऐसे तो रोड काफ़ी दिन से खराब है, पर बरसात में कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया है। इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।